हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे DSSB के जो कि 2018 में हुआ था एंड दिस वाज कंडक्टेड फॉर PGT फिजिक्स फीमेल कैंडिडेट्स। लेट्स स्टार्ट सेक्शन फर्स्ट। इस पूरे पेपर में फिजिक्स के 180 क्वेश्चन पूछे गए थे और 9 सेक्शन में 180 क्वेश्चन पूछे गए थे। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम सेक्शन वाइज करेंगे। दिस इज सेक्शन 1। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज सेम दैट ऑफ। देखो, इसके लिए आपको प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन पता होना चाहिए और इन सब का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी से। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ML स्क्वायर टी माइनस टू इंटू में एच। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है टी माइनस वन। तो आप इसको इधर भी इधर लाओगे, जो ML स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन में टी माइनस वन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ML स्क्वायर टी। अभी ऊपर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो ये आ गया H का डायमेंशन फॉर्मूला, ML स्क्वायर टी प्लस वन। एक्चुअली माइनस टू है, ये प्लस वन होगा तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन बचेगा। तो प्लैंक कॉन्स्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला पे पता चल गया है। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं और ये होता है 2 पाई, या आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। तो इसका जो डायमेंशन, देखो एंगल का तो डायमेंशन नहीं होगा, टाइम का होगा, तो इसका डायमेंशन होगा m0 l0 t की पावर -1। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला अगर हमें निकालना है तो हम आर क्रॉस पी से निकाल सकते हैं। आर का डायमेंशन होगा एल, पी मतलब मास इंटू वेलोसिटी यानी कि एल टी माइनस वन, और जब आप इसको करोगे तो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन आ जाएगा। तो ये देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन प्लैंक कॉन्स्टेंट का भी है, एंगुलर मोमेंटम का भी यही होगा। लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस वन होता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर करके। मोमेंट ऑफ इनर्सिया मतलब एम एल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, तो उसका टी माइनस वन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, आपको बताना है फेराड इंटू ओम का किसके इक्वल होगा। देखो आप इसमें ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, एक्स इक्वल टू होता है 1/2 πfc। ठीक है, और इसको आप ऐसे लिख लीजिए एक्स इंटू में सी इक्वल टू 1/2 πf। तो देखो एक्स सी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसका तो ओम होता है, इंटू कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फेराड। तो ये तो हमसे पूछा है कि ओम इंटू फेराड या फेराड इंटू ओम किसके बराबर होगा। तो देखो फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड इनवर्स, जब इसको आप ऊपर ले जाकर के लिखोगे तो सेकंड के बराबर हो जाएगी, तो इसलिए फेराड इंटू ओम सेकंड के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट द एक्सप्रेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये आपको दिया हुआ है ए की पावर -bu², आपको बताना है कि बी का डायमेंशन क्या होगा। देखो जब भी कोई चीज़ साइन थीटा या कोस थीटा है, ठीक है, या टेन थीटा है, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो वो सब होते हैं डायमेंशनलेस। ओके, तो यहाँ पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब ए की पावर -bu² है, तो एक्सपोनेंशियल पे जो भी पावर होगी, यहाँ पर ए की पावर जो भी होगी वो पूरी डायमेंशनलेस होगी, तो इसका मतलब bu² क्या होगा, डायमेंशनलेस यानी कि m0 l0 t0 के बराबर bu² का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अब u यहाँ पर है वेलोसिटी, तो u मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का होता है lt-1, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए और ये m0 l0 t0 के बराबर होगा। अब देखें आप इसको इस तरफ लाएंगे तो ये एल स्क्वायर है यहाँ पर, तो उधर पावर -2 हो जाएगी, ये -2 है तो उधर जाकर के +2 हो जाएगी, यानी कि जो बी का डायमेंशन आएगा वो आएगा एल की पावर -2 और टी की पावर +2। तो इन सब में से हमारा आंसर सही होगा एल की पावर -2 और टी की पावर +2। क्वेश्चन नंबर 104, आपको बताना है कि ये किसके इक्विवेलेंट है। तो देखो हेनरी का डायमेंशन फॉर्मूला हम फाइव इक्वल टू एल आई से निकाल सकते हैं, यूनिट अगर हमें निकालनी है तो इसकी फ्लक्स की, फ्लक्स को आप बी डॉट ए लिख सकते हैं, बी डॉट ए यानी कि ए एरिया है अपॉन करंट आई। ठीक है, अगर मैं एल की यूनिट निकालूँ तो
ज़्यादा से ज़्यादा आप फोर्स को, देखो मैग्नेटिक फील्ड को आप एफ इक्वल टू क्यू वी बी से निकाल सकते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। तो मैं बी को रिप्लेस कर रहा हूँ एफ अपॉन में क्यू इंटू वी से। यहाँ पर एरिया है और ये करंट है, ठीक है, और ये एल का हम निकाल रहे हैं यूनिट। अब करंट देखो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, तो मैं क्यू को आई टी से रिप्लेस कर लेता हूँ, फोर्स इंटू में एरिया अपॉन में क्यू की जगह पर हम लिखेंगे आई टी इंटू में आई इक्वल टू एल। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया का मीटर का स्क्वायर अपॉन में करंट इंटू करंट, करंट का स्क्वायर यानी कि एम्पियर का स्क्वायर आ जाएगी यूनिट, और टाइम की सेकेंड। तो अगर आप इसको सोल्व करो, यह आएगा किलोग्राम मीटर की क्यूब एस की पावर, देखो ये माइनस टू और ये माइनस वन यानी कि माइनस थ्री आएगा, और ए की पावर माइनस टू। तो ये तो आ गई एल की यूनिट। अब वाट, देखो इसको चेक कर लेते हैं, ये पावर की यूनिट होती है। तो पावर इक्वल टू होता है फोर्स इंटू में वेलोसिटी। फोर्स का यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू वेलोसिटी की होती है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो आप इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर माइनस थ्री। देखो मैं इसी में लाना चाह रहा हूँ किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर में, इस तरह से हमें फॉर्मूला यूज करना है ताकि जो यूनिट है वो इन्हीं के टर्म में आए। तो यहाँ पर तो एम्पियर तो आया नहीं, अब चलते हैं एम्पियर के लिए यानी कि करंट के लिए चेक करते हैं। तो आप ये देखो करंट, ये एम्पियर, एम्पियर में तो ए ही आएगा। अब यहाँ पर तो ए माइनस वन आ रहा है तो वो तो वैसे भी गलत हो जाएगा। अब वोल्ट के लिए चेक कर लेते हैं। तो वोल्ट के लिए मुझे फोर्स, अगर मुझे किलोग्राम मीटर स्क्वायर चाहिए ना, तो देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल अपॉन में लेंथ एल, ठीक है, या फिर आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ई वी वी अपॉन एल। अब मुझे तो वोल्ट के लिए चेक करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ है, आप इसको लिख लीजिए। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हम करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज से, इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू इंटू में लेंथ एल। अब इसको मैं लिख रहा हूँ चार्ज को यहाँ से आई इंटू टी, करंट इंटू में एम टाइम। अब देखो अब सबकी यूनिट पुट करते हैं, फोर्स के किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, फिर लेंथ की मीटर अपॉन में करंट की एम्पियर और टाइम की एस। तो ये आ गया किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और एस की पावर वन यहाँ पर ही ऊपर जा करके माइनस हो जाएगी तो माइनस थ्री होगा, और ए की पावर माइनस वन। तो आप ये देखिए कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस की पावर माइनस थ्री एम्पियर इनवर्स, ये किसकी यूनिट हो जाएगी, ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी वोल्ट के। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 105। इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ मिरर एंड स्केल्ड गैल्वेनोमीटर, द स्केल यूजेस हैज इट्स स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ 1 मिलीमीटर फॉर अ करंट एंड द डायरेक्ट रिवर्स रीडिंग, वर आपको डायरेक्ट और रिवर्स रीडिंग गिवन है 14.4, 14.5 सेंटीमीटर। आपको रीडिंग कौन सी रिकॉर्ड करनी होगी ये आपको बताना है। क्या आप डायरेक्ट रीडिंग रिवर्स डायरेक्ट यूज करोगे या रिवर्स? तो देखो पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ इसमें। द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जो होता है वो टेम्परेरी होता है, एंड इट लास्ट एज लॉन्ग एज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द रिवर्स डायरेक्शन। वो कब तक रहता है, जब तक कि उसमें जो इंड्यूस करंट रहे उसकी डायरेक्शन रिवर्स ना हो जाए। तो इसलिए हम जो रीडिंग यहाँ पर मेजर करेंगे वो हम रिवर्स रीडिंग लिखते हैं, या रिवर्स रीडिंग को ऑब्जर्व करके नोट किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा 14.5, विल टेक द रिवर्स रीडिंग ओनली। क्वेश्चन नंबर 106। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर वॉज बींग डिटरमाइंड यूजिंग द पेपर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिन मेथड बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला म्यू इक्वल टू रो ऑफ एयर अपन रो ऑफ ग्लास, विद अ सिंबल हैज देयर यूजुअल मीनिंग। फॉर अ पर्टिकुलर रीडिंग द डाटा आपको गिवन है, रो ऑफ एयर इज सेंटीमीटर एंड रो ऑफ ग्लास इज 4 सेंटीमीटर, दिस वर मेजर्ड बाय द स्केल हुज स्मॉलर डिविजन इज 1 मिलीमीटर। फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज प्रोपोर्शनल एरर इन द अबव एक्सपेरिमेंट। तो देखो आपको एरर निकालनी है ना म्यू की, तो आप ये देखो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो जो डेल्टा न्यू अपॉन म्यू होगा वो बराबर होगा डेल्टा रो इन एयर अपॉन डेल्टा अपॉन वी ऑफ एयर प्लस
डेल्टा ग्लास अपॉन पी ऑफ ग्लास। ओके, अब यहाँ पर हम लेंगे जो स्मॉलेस्ट डिवीजन रीडिंग है वो, जैसे आप कोई भी एरर निकाल दे तो आप उसमें देखते हैं लीस्ट काउंट कितना हो सकता है, तो यहाँ पर हम लेंगे 1 मिलीमीटर। अब इसको मेजर करने में कितनी रीडिंग है हमारी, वो है 6 सेंटीमीटर। तो ये देखो, ये है मिलीमीटर में और ये सेंटीमीटर में, आप दोनों को एक ही यूनिट में कर लीजिए। तो मैं जैसे 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर में आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की पावर -2 से। अब जो ग्लास के लिए तो उसी स्केल का यूज़ किया जा रहा है, तो 1 मिलीमीटर × 10 की पावर -3 अपॉन इसकी रीडिंग कितनी है, वो है 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10 की पावर -2। अब क्योंकि हम परसेंटेज में निकालेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 की पावर 2 से, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 2 की मल्टीप्लाई कर दी 10 की पावर -3 + 2 / 6, यहाँ पर भी 10 की पावर -3 और ये +2 हो जाएगा ऊपर जा कर के, × 10 की पावर 2 / 4। तो यहाँ से बचेगा 10/6 + यहाँ से बचेगा 10/4, या फिर आप इसको लिख सकते हैं, ये एलसीएम ले लीजिए, 40 + 60/6 = 24, 24 या फिर 100/24। तो जब आप 100 को 24 से डिवाइड करते हैं आंसर आएगा 4.166, राउंड ऑफ करके यह हो जाएगा 4.17 के इक्वल, तो हमारा सही आंसर आएगा 4.17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 वॉट आप कैलोरी पर सेकंड में कैसे लिखेंगे ये बताना है। देखो, पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, एनर्जी को हम जूल में मेजर करते हैं सही यूनिट में, और टाइम को सेकंड में। तो यहाँ पर हमें कैलोरी पर सेकंड चाहिए, तो सेकंड तो ऑलरेडी है, हमें जूल को कन्वर्ट करना होगा कैलोरी में। तो एक कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं। तो अगर मैं ये देखूँ कि 1 जूल में कितने कैलोरी होंगे, तो मुझे डिवाइड करना होगा 1 को 4.184 से, जो कि आता है 0.239 के इक्वल। तो मैं जूल को कैलोरी में लिख सकता हूँ कितना, 0.239 कैलोरी पर सेकंड। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2.239 कैलोरी पर सेकंड। ये तो आपको ध्यान रखना ही होगा, 1 कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं, या फिर आप ये भी याद रख सकते हो कि 1 जूल में 0.239 कैलोरी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी डिग्री इज इक्वल टू टी +273 केल्विन, यानी कि हमें गिवन है कि टेम्परेचर इन डिग्री स्केल बराबर है टी +273.15 केल्विन के इक्वल। आपको बताना है कि देन इन फेरनहाइट स्केल टी के किसके बराबर होगा। देखो, तो पहले मैं एक टेम्परेचर स्केल बता देता हूँ, जैसे TC -0/100 इक्वल टू होता है टी के -273.15/100 इक्वल टू TF -32/180। ठीक है, अब हमें पहले निकाल लेते हैं रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड फेरेनहाइट स्केल। तो देखो, इस TF -32/180 बराबर किसके हो गया, TK -273.15/100, और इसका आप ऐसे भी देख सकते हो, ये 0 से 0 कैंसिल, इसका हाफ कर दो 9 आएगा, इसका हाफ कर दो 5 आएगा, तो TF बराबर आ जाएगा माइनस के TF -32 = 9/5 TK -273.15, और इसको आप इस तरफ ले आओ तो TF इक्वल टू हो जाएगा 9/5 माइनस है, तो ये आ गया 9/5 TK -273.15 + 32, ये 32 इस तरफ आ गया। जनरली अगर मैं इससे TC और TK में रिलेशन निकालूं, तो TC इक्वल टू कितना होता है, TK -273.15। तो यहाँ से TK की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, TK इक्वल टू आ जाएगा TC + 273.15, और देखो TC किसके बराबर है, T+273 के, तो मैं TC को लिख रहा हूँ T+273.15, ये तो हो गया TC की वैल्यू, और प्लस में 273.15 भी है एज इट इज। अब ये TK की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा, तो लिखते हैं वैल्यू TF = 9/5, TK की वैल्यू T+273.15 + 273.15, फिर
ये माइनस 273.15 और प्लस में 32, तो इसको इससे हटा दो। अब यहाँ पर देखो ये ना 1.8 या 5/9 जो भी है कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 9/5 को। वैसे भी 9/5 आता है 1.8 के इक्वल, तो एक काम करते हैं यहाँ पर 9/5 कॉमन ले लेते हैं। तो 9/5 मैंने कॉमन लिया, ये टी प्लस 273.15 ठीक है प्लस। अब 32 में 9/5 नहीं है, लेकिन मैंने कॉमन लिया तो मुझे यहाँ पर 5/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आप ओवर मल्टीप्लाई करो तो फिर से वो 32 ही बचेगा। अब टी एफ इक्वल टू आ जाएगा 9/5 का मतलब हो गया 1.8 टी प्लस 273.15, जब आप इसको सोल्व करोगे आएगा 17.7। फिर टी एफ इक्वल टू हो जाएगा 1.8 टी प्लस, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 290.93 के आसपास। तो हिसाब से हमारा सही आंसर आएगा 1.8, वो जो कॉमन था टी प्लस 290.93 93। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारे पास दो इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और उनके हमें ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। पहले दो फ्रेम बना लेते हैं, लेट ये एक्स वाई और जेड, और दूसरा फ्रेम है टाइम कोऑर्डिनेट भी हमें गिवन है, ये एक्स डैश ये वाई डैश और ये जेड डैश। यहाँ पर टाइम टी डैश है और यहाँ पर टाइम टी है। आर सच दैट द प्राइम सिस्टम मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनप्राइम्ड सिस्टम, यानी कि जो प्राइम वाला है ये वाला जो फ्रेम है ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओके। द वेलोसिटी ऑफ बॉडी मेजर्ड बाय टू सिस्टम आर यू एंड यू डैश। अब यहाँ पर जो हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी है यू और यहाँ पर वेलोसिटी है यू डैश। गिवन बिलो आर फोर सेट्स ऑफ इक्वेशन लिंकिंग एक्स डैश वाई जेड जेड डैश कंपोनेंट ऑफ यू एंड यू डैश। वी इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एंड एक्स प्राइम एक्सिस, तो जो वेलोसिटी है वी वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग है सिर्फ। मैंने ऑर्डिनेट थोड़े चेंज कर लिए, यहाँ पर मैंने एक्स ले लिया ताकि मैं इस तरफ डायरेक्शन दिखा सकूँ। अब देखो एक्स डैक्स को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस में वी टी, लेट ये इसकी वेलोसिटी है वी वी और टी है टाइम, तो डिस्टेंस जो वो कवर करेगा एक्स्ट्रा वो हो जाएगा वी इंटू में टी। तो देखो इसमें अगर मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो यहाँ पर एक्स डॉट मिल जाए, एक्स डॉट का मतलब समझना आप डी एक्स अपॉन डी टी ठीक है, डॉट में लिख सकते हैं एक्स डॉट को डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकते हैं, हो जाएगा एक्स का डॉट माइनस वी टी। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा वी, यानी कि हम लिख सकते हैं वी डैश बराबर आएगा वी एक्स माइनस वी के, लेकिन जो बाकी ऑर्डिनेट्स होंगे वो सेम रहेंगे, यानी कि जो यू वी वाई होगा यू वाई डैश वो यू वाई के बराबर रहेगा और जो वी जेड डैश होगा वो वी जेड के इक्वल रहेगा। सिर्फ जो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, माइनस वी आ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सही होगा क्यू, यू एक्स डैश विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वी, बाकी दोनों कंपोनेंट इक्वल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 110, द डिस्प्लेसमेंट और टाइम की आपको इक्वेशन दी हुई है, इट इज़ फाउंड दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एक्स की पावर एन, आपको बताने कि एन किसके इक्वल होगा ये आपको बताना है। तो हमें ये फाइंड करना है इस क्वेश्चन में कि एक्स की पावर, अगर एक्सेलेशन एक्स की पावर एन पर डिपेंड कर रहा है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, और ये इक्वेशन गिवन है। तो अगर ये एक्स होता तो फिर काफ़ी सिंपल इक्वेशन हो जाती, लेकिन इधर इन्होंने एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस 2 QT + R ठीक है। पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपको बता देता हूँ जो जो मैं इसमें यूज करूँगा। एक तो ये कि जैसे डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डी एक्स अपॉन डी टी करना होता है, एक्सेलेशन निकालने के लिए हमें डी वी अपॉन डी टी करना होता है। दूसरा एक्स की पावर एन का जो डिफरेंशिएशन होता है, लेट आप उसको अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करें तो वो एन की पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। दूसरा अगर आप किसी ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो कि डिवीजन में है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, जैसे अगर आप उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो बराबर हो जाएगा। पहले आपको करना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, लेट से एफ डैश एक्स, मैं डिफरेंशिएशन को एफ डैश एक्स बोल रहा हूँ, और जी एक्स को हम एज इट इज लिखेंगे। फिर माइनस, उसके बाद फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखो और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और डिवाइड में आ जाएगा जो नीचे फंक्शन है ना उसका स्क्वायर, इसको बोलते हैं डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन में। तो ये सब चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस आर है, तो एक्स की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी टी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेने पर टू क्यू टी प्लस आर, और इसकी पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो डी अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप एक्स की पावर 1/2 का, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पावर आ जाती है आगे और एक पावर कम हो जाएगी तो माइनस के 1/2, तो 1/2 रूट एक्स, यानी कि अगर डिफरेंशिएशन आप एक्स की पावर रूट का कर, मतलब रूट एक्स का कर रहे हो, तो वो बराबर हो जाएगा 1/2 की पावर रूट एक्स। मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो रूट एक्स का तो बराबर होगा 1/2 रूट एक्स, ये नीचे आ जाएगा, कैसे मैंने बता दिया इस तरह से। अब डी एक्स अपॉन डी टी करना है हमें, तो डी एक्स अपॉन डी टी ताकि वेलोसिटी वी आ जाए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो यहाँ पर अगेन हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा टाइम के रेस्पेक्ट में, किसका, पी टी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस आर, और ये देखो ये पावर 1/2 बोलो या रूट बोलो बात एक ही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर रूल मैंने आपको बताया ना, किसी की पावर एक्स की पावर 1/2 है तो बराबर हो जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद 1/2 रूट एक्स, तो ऐसे जब हम इस पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे ये आएगा 1/2। ठीक है, ये पूरा नीचे रूट में आ जाएगा, यानी कि रूट रूट बोलो या 1/2 बोलो बात एक ही है, पी टी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस में आर। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ये तो हमने पावर का डिफरेंशिएशन करा क्योंकि चेन रूल में पहले पावर का करेंगे उसके बाद टाइम का, तो अब ये जो पूरा टर्म है ना अंदर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी अपॉन डी टी डिफरेंशिएशन ऑफ पी टी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस आर, पहले हमने पावर का कर दिया अब टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर। तो देखो पी टी स्क्वायर का है तो पी तो एज इट इज रहेगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर आगे जाती है तो टू पी टी हो जाएगा, टू पी टी प्लस टू क्यू टी है तो टू क्यू तो कॉन्स्टेंट है, टी का 1 हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा टू क्यू टी, और अगर कोई कॉन्स्टेंट टर्म हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो यहाँ पर आर का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो 0 आएगा, तो कुछ नहीं लिखना उसको। अब यहाँ से टू कॉमन आ जाएगा, टू जो कॉमन आएगा वो उस टू से हम ये वाला टू कैंसिल कर देंगे, तो वी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पी टी प्लस में क्यू, एक्चुअली यहाँ पर टाइम हट जाएगा टी टी, क्योंकि टी की पावर 1 है ना, तो सिर्फ टू क्यू बचेगा, तो ये बचा हमारे पास पी टी प्लस क्यू अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा पी टी का स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस में आर, वही आएगा रूट में, तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई है, वी आ गया हमारे पास पी टी प्लस में क्यू अपॉन में रूट पी टी का स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस आर। अब हम फाइंड करेंगे एक्सेलेरेशन इसका डिफरेंशिएशन करके, तो देखिए एक्सेलेरेशन बराबर होगा डी वी अपॉन डी टी के, तो एक्सेलेरेशन इक्वल टू डी अपॉन डी टी, वेलोसिटी की इक्वेशन पुट करते हैं जो कि है पी टी प्लस में क्यू अपॉन में रूट पी टी का स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस में आर। तो अब यहाँ पर दो फंक्शन है, ये एफ एक्स और ये जी एक्स, तो मैं इस रूल को अप्लाई करके यहाँ पर एक्सेलेरेशन का मतलब इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, सो एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू, पहले हम करेंगे फर्स्ट फंक्शन, या देखो ऊपर वाला फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मान लो, नीचे वाले को सेकंड फंक्शन, जैसे एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन हो गया, जी एक्स सेकेंड फंक्शन, तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, सेकंड को रखेंगे एज इट इज, इसका मतलब डी अपॉन डी टी हम करेंगे किसका, पी टी प्लस क्यू का, और उसके साथ जो नीचे वाला टर्म है उसको एज इट इज रखना, उसको कुछ नहीं करना, यानी कि रूट पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी प्लस में आर को एज इट इज रखो, फिर माइनस साइन माइनस, अब जो नीचे वाला फंक्शन है ना उसको डिफरेंशिएट करेंगे और पहले वाले को एज इट इज रखेंगे, यानी कि पी टी प्लस क्यू को तो एज इट इज रखो, पी टी प्लस क्यू को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड वाले टर्म का टाइम के रेस्पेक्ट में, जो कि पी टी का स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस में आर, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, नीचे वाला फंक्शन से, यानी कि पी टी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस आर, तो पी टी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस आर, देखो इस पर पावर कितनी है, रूट है वो, ठीक है,
तो इस पर रूट है। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक्सेलेशन बराबर आएगा, पी टी प्लस क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से सिर्फ पी बचेगा, और इसको इस चीज़ रखो, रूट पी टी का स्क्वायर प्लस क्यू टी प्लस में आर, फिर माइनस, अब पी टी प्लस क्यू का यहीं पे एच डी रखना है, पी टी प्लस क्यू, और डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका। तो जैसे हमने वन अपॉइंट एक्स पर वन अपॉइंट टू का होता है, वन अपॉइंट टू रूट एक्स, तो यहाँ पर एक तरह से रूट है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा वन अपॉइंट में पावर की वजह से वन अपॉइंट में टू, और फिर ये आ जाएगा नीचे वन अपॉइंट टू रूट पी टी का स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस आर। एक्चुअली ये वही कर रहे हैं जो हमने यहाँ पर करा था ना, डी एक्स अपॉन डी टी निकालने के लिए, पी टी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस आर का डिफरेंशिएशन, तो वन अपॉइंट टू रूट पी टी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी आर आ गया था, और साथ में ये टू पी टी प्लस टू क्यू आएगा। ये पूरा डिफरेंशिएशन हम पहले यहाँ पर कर चुके हैं, तो वही वैल्यू फिर से आ जाएगी, मतलब ये वैल्यू पूरी रिपीट हो जाएगी। तो आप फिर से यहाँ से जो कॉमन आएगा टू, उस टू से ये वाला टू कट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और देखो पी टी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस आर की पावर टू है, और इस पर है रूट, तो इसका मतलब ये वन पॉइंट टू रूट की वजह से और स्क्वायर, तो टू से टू कट जाए तो यहाँ पर पी टी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस आर की पावर वन हो जाएगी। और अब मैं पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी प्लस आर को देखो, ये एक्स बराबर किसके है, एक्स बराबर है पी टी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस आर, तो मैं अब इसको एक्स लिख लूंगा, जहाँ पर भी ये होगा रूट पी टी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस आर, तो पी इंटू में ये पूरा एक्स के बराबर है, तो एक्स माइनस ये पी टी प्लस क्यू और ये पी टी प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा पी टी प्लस क्यू का स्क्वायर, और अपॉन में ये रूट पी टी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस आर की वैल्यू एक्स के बराबर है। ठीक है, अब ये पी टी स्क्वायर प्लस टू क्यू टी प्लस आर की पावर वन है, तो इसका मतलब ये यही है पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी प्लस आर, इसकी पावर वन, तो वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्स का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको एक सी मान लेते हैं, हमें तो एक्स पर डिपेंडेंस देखनी है, तो ये हो जाएगा पी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, तो एक्स का स्क्वायर माइनस सी अपॉन में, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा एक्स की क्यूब, तो ए इक्वल टू आएगा, तो देखो यहाँ पर ए जो है वो इन्वर्सली एक्स पर डिपेंड कर रहा है, माइनस सी अपॉन एक्स की क्यूब आ रहा है, तो हम जो मैक्सिमम पावर है उसको देखेंगे वो कैसे डिपेंड कर रही होगी। सो वी कैन से दैट एक्सेलेरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन एक्स की क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन में बोला बोला था कि एक्सेलेरेशन डायरेक्टली एक्स की पावर एन पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्सेलेरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -3, और बोला गया था कि एक्स की पावर एन पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से कंपेयर करने पर एन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -3, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 -3। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका डिफरेंशिएशन बहुत तेज होना चाहिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन में जब आप एग्जाम में बैठे बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो उसको उस टाइम के लिए छोड़ दो, उसको करो बाद में, पहले जो इजीली क्वेश्चन आप सोल्व कर सको उनको सोल्व करना चाहिए, जैसे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है तो उसको आप बाद में भी कर सकते हैं, या प्रैक्टिस करो तो कम टाइम में भी सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ पार्टिकल मूव चलूंगा कर्व पाथ वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज अ कॉन्स्टेंट इक्वल टू सी, इट्स एक्सेलेशन इज इक्वल टू, तो हमें एक्सेलेशन पूछा है कितना होगा, और जबकि हमें ये दिया हुआ है कि जो एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कॉन्स्टेंट है और वो सी के इक्वल है, एक्स कंपोनेंट। देखो वाई एक्स स्क्वायर जो है इसकी वजह से पार्टिकल एक पैराबोलिक पाथ कवर कर रहा होगा, मतलब कि ये टू डायमेंशन मोशन हो गया। एक्सेलेशन हमें फाइंड करना है, तो एक्सेलेशन क्योंकि वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखूं तो एक्सेलेशन बराबर होगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप के इक्वल। ठीक है, और पहले तो हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, वाई इक्वल टू कितना है ए एक्स स्क्वायर। अब देखो वेलोसिटी किसके बराबर होगी, तो वेलोसिटी बराबर होगी डी आर अपॉन में डी टी, ये आर क्या है, तो आर है पोजिशन वैक्टर, आर पोजिशन वैक्टर को हम लिख सकते हैं, आर वैक्टर कैन बी रिटर्न एज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो मैं आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन करूंगा उससे वेलोसिटी हमें मिल जाएगी, फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे उससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो आर वेक्टर पहले एक काम करते हैं, वाई को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वाई की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर है, ए एक्स स्क्वायर के,
एक्स स्क्वायर के बराबर रख लिया, और ये आई जे कैप। दूसरा हमें ये भी दिया हुआ था कि जो वेलोसिटी है एक्स कंपोनेंट वाली वो कांस्टेंट है, यानी कि यू एक्स की जो वैल्यू है मैं उसको सी के बराबर रखूंगा। अच्छा, यू एक्स का मतलब क्या हो गया? यू एक्स का मतलब हो गया डी एक्स अपॉन में डी टी। तो डी एक्स अपॉन में डी टी की वैल्यू कितनी है? कॉन्स्टेंट, जो कि सी के बराबर होगा। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डी आर वैक्टर अपॉन में डी टी बराबर आएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे तो मिलेगा डी एक्स अपॉन में डी टी आई कैप, ठीक है, प्लस। अब करेंगे ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा एक, ए तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ट्वाइस एक्स और डी एक्स अपॉन में डी टी। ये कैसे लिखा अभी समझाते हैं। देखो, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एक पावर आगे आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ए तो कांस्टेंट है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी। और क्योंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और यहाँ पर एक्स है, तो हमें लिखना पड़ेगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब डी आर अपॉन डी टी किसके बराबर है? वेलोसिटी के। तो वी वैक्टर इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाएगा? ये एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये बराबर है सी के, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सी आई कैप प्लस। अब ये ट्वाइस ए एक्स, ट्वाइस ए एक्स डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर है? सी के। ध्यान रखना क्वेश्चन में गिवन है कि जो सी है वो कांस्टेंट है, सी इज कांस्टेंट, क्योंकि उसकी जो एक्स कंपोनेंट वाली वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो आता है। तो वेलोसिटी तो क्वेश्चन हमें पता चल गई, यहाँ पर जे कैप लिख लेते हैं। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी का ताकि एक्सेलेशन पता लग जाए, तो एक्सेलेशन बराबर होगा डी वी अपॉन में डी टी के, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम दोनों टर्म का, तो डी अपॉन डी टी सी आई कैप प्लस ट्वाइस ए एक्स सी जे कैप। अब फिर से देखो, आप जब टी का सी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो सी तो कांस्टेंट है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा एक्सेलेशन का एक्स कंपोनेंट वो तो जीरो आ जाएगा प्लस। अब टू ए एक्स सी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर टू ए और सी तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा? डिफरेंशिएशन होगा एक्स का और यहाँ पर जे कैप। अब ए वेक्टर इक्वल टू आएगा ट्वाइस ए सी, ट्वाइस ए सी, और देखो डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर है? सी के बराबर है, तो जे कैप, यानी कि एक्सिलेशन इक्वल टू आ गया है, ए वेक्टर बराबर आ गया ट्वाइस ए सी का स्क्वायर इंटू में जे कैप। हमें तो मैग्नीट्यूड पूछा है, क्योंकि यहाँ वेक्टर नहीं है ना, तो मैग्नीट्यूड जे कैप हटा करके मैग्नीट्यूड बताया जाएगा, जो कि टू ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एक्सिलेशन आएगा हमारा टू ए सी का स्क्वायर। तो इस ग्राफ से हमें फाइंड करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो देखो, यहाँ पर हम जैसे कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा तो उसके अंदर आपको निकालना पड़ेगा एरिया अंडर वी टी ग्राफ, वो आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे पता चल रहा है? तो देखो, जब भी आपको कोई भी ग्राफ गिवन है और आपको ये पता करना है कि उसका एरिया क्या देगा, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? एक तरह से डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। ये दोनों की यूनिट चेक कर लो, जैसे वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड होती है, टाइम की सेकेंड होती है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या आ गई? मीटर। तो आप जब इसका एरिया फाइंड करोगे तो आपको जो फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। और वही तो हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें एरिया फाइंड करूँगा। तो एक तो ये ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये अबव वाला, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल बन रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल का हम फाइंड करेंगे एरिया, और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू में हाइट। तो अगर मैं इस फर्स्ट एरिया और सेकंड एरिया का एरिया निकालूं, तो ए वन आएगा हाफ बेस कितना है, तो बेस मतलब 0 से लेकर के 8 तक, तो 8 इंटू में हाइट कितनी है, तो हाइट है इसकी 8, ठीक है। और ए टू कितना आएगा? ए टू आएगा हाफ बेस कितना है इसका, तो ये यहाँ तक 20 है और यहाँ तक 8, तो 20 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 इंटू में हाइट कितनी है इसकी, 12। अब माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं? तो हम ना एरिया निकाल रहे हैं, एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है। तो ए टू इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 6 12 6 72, 72, और इसको हाफ कर दो तो 8 चौक 32, 32। तो जब आप इन दोनों को एक ऐड करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारा आएगा 72 + 32, एंड दैट विल बी इक्वल टू 104। तो ये हमारा आंसर आएगा 104।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल मूव्स इन थ्री डायमेंशनल मोशन और आपको एक्स वाई टी की इक्वेशन दी हुई है, पूछा कि एक्सेलेशन कितना होगा जब टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड है, यानी कि टी की वैल्यू 1 सेकेंड दे दी। अब एक्सेलेशन निकालना है, तो एक्सेलेशन वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूँ तो बराबर होगा उसका एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेशन जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेशन इंटू में के कैप, यानी कि मुझे एक्स ए वाई और ए जेड पहले निकालना पड़ेगा। अब एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस टू गिवेन है, ठीक है, वाई गिवेन है हमें टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन और जेड की वैल्यू है 2 साइन पाई इंटू में टी। देखो टी की वैल्यू आप पहले पुट नहीं करोगे, पहले डिफ्रेंशिएशन करोगे, जो इक्वेशन बनेगी उसके बाद टी की वैल्यू हम पुट करेंगे। मैंने आपको एक्स की पावर मतलब जनरल फॉर्मूला बताया हुआ डिफ्रेंशिएशन का, एन एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है, तो यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे ताकि पहले वेलोसिटी पता लग जाए, डी एक्स अपॉन डी टी वी एक्स के इक्वल होगा, तो ये आ जाएगा 2t प्लस टी का डिफ्रेंशिएशन 1 और 2 का 0, तो 2t प्लस 1 आ गया वी एक्स। फिर वी वाई कितना आएगा, तो टी स्क्वायर का 2t डिफ्रेंशिएशन माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन 1 फिर जेड का 2। अब देखो साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कोस पाई टी, और फिर पाई टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ पाई बचेगा, तो वो आ जाएगा आगे। अब फिर से डिफरेंशिएट करो ताकि एक्सेलेशन पता लग जाए, क्योंकि एक्सेलेशन किसके बराबर होगा, डी वी एक्स अपॉन में डी टी के। तो अब मैं 2t+1 का डिफरेंशिएशन करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 2t+1 का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो 1 तो कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, 2t का डिफरेंशिएशन आएगा 2। फिर वी वाई के लिए मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ताकि एक्सेलेशन आ जाए वाई डायरेक्शन वाला, तो 2t-1 का डिफरेंशिएशन 1 तो 0 हो जाएगा, 2t का 2 आ जाएगा। फिर डी जेड अपॉन डी टी, तो एक्सेलेशन जेड डायरेक्शन में आएगा डी जेड अपॉन डी टी के इक्वल, तो 2 पाई, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन पाई टी। अब देखो यहाँ पर तो टाइम आया ही नहीं, तो मैं जेड कंपोनेंट पहले निकाल लेता हूँ क्योंकि टी की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो 2 पाई से यहाँ पर पाई का स्क्वायर भी आएगा माइनस साइन पाई, टी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर पाई बचेगा और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, ठीक है, तो इसका मतलब जो जेड कंपोनेंट है वो तो 0 आ गया है। अब एक्सेलेशन जेड कंपोनेंट 0 आ गया तो सिर्फ कितना बचेगा, मतलब इसमें ये तो 0 हो ही गया है, तो एक्सेलेशन आएगा ax की वैल्यू कितनी है 2, तो 2i कैप प्लस वाई डायरेक्शन वाला एक्सेलेशन भी 2 है, 2j कैप, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर 2 कॉमन ले लीजिए, तो आई प्लस जे कैप और यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा आंसर आएगा 2i+j कैप, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आपको गिवन है वी इक्वल टू 2i-3j प्लस 4k, आपको बताना है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आई प्लस जे प्लस के। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ, मान लीजिए आपका कोई वेक्टर ए है और आप उसका कंपोनेंट निकालना चाहते हैं किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में जो बी वेक्टर है, तो आपको करना क्या होगा, आप इसको इस तरफ कंपोनेंट आप इसका लेंगे, तो कंपोनेंट निकालने के जैसे एंगल थीटा अगर इससे बना रहा तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा, ठीक है, ए कोस थीटा, और डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, बी वेक्टर की, तो हम बी कैप के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए कोस थीटा तो हो गया इसका कंपोनेंट इस तरफ बी की डायरेक्शन में, और बी डॉट क्यों मल्टीप्लाई करें, ताकि हमें ये पता लग जाए कि किस डायरेक्शन में फाइंड कर रहे हैं, तो हम फाइंड कर रहे हैं वेक्टर बी की डायरेक्शन में, तो हम उसका जो यूनिट वेक्टर है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। दूसरा आपने पढ़ा होगा कि कोई भी यूनिट वेक्टर अगर हो तो वो बराबर होता है वेक्टर अपॉन उसके मैग्नीट्यूड के, तो इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी कैप कॉस थीटा या फिर ए डॉट बी कैप, ठीक है, ए डॉट बी कैप। देखो एक्चुअली होता क्या है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के, तो यहाँ पर ए बी कैप कॉस थीटा था तो मैं उसको ए डॉट बी लिख सकता हूँ। अब वेक्टर ए को ऐसे ही रहने दो, बी कैप क्या हो जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं वेक्टर बी अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखो कि जब भी आपको कोई कंपोनेंट निकालना किसी एक वेक्टर का, कंपोनेंट निकालना किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में, तो वो बराबर हो जाएगा
ए डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर मैं वही करूँगा, हमारे पास एक वेक्टर ही हो गया, हमें इसके डायरेक्शन में निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट कोई बी वेक्टर यही है, आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। अब मुझे वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालना है इसके डायरेक्शन में, तो क्या करूँगा, मैं करूँगा वी वेक्टर की मल्टीप्लाई, मतलब डॉट मल्टीप्लाई किस में, वेक्टर बी अपॉन बी के मैग्नीट्यूड में, ठीक है। अब वेक्टर बी कितना है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, डॉट बी वेक्टर कितना, आई प्लस जे प्लस के। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोई भी अगर वेक्टर है, मान लीजिए मैं जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, axi कैप ay j कैप az k कैप, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसका फॉर्मूला होता है रूट ax² प्लस ay² प्लस az², मतलब तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर आप तीनों कंपोनेंट का स्क्वायर करो, यानी कि इसका 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि नीचे तो 1 प्लस 1 √3 आ जाएगा। और डॉट मल्टीप्लाई करेंगे, तो डॉट मल्टीप्लाई की हम क्या करते हैं, आई की आई में मल्टीप्लाई, जे वाले की जे में और के वाले की के में। तो आई की आई में करोगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, माइनस 3 की 1 में करोगे तो माइनस के 3, 4 की 1 में करोगे तो प्लस के 4, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 √3। अब 4 और 2 6, 6 में से 3 जाएगा 3, तो 3 अपॉन √3 आ गया। इसी को आप √3 भी लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3, तो 1 √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा √3 मीटर पर सेकेंड। मेन चीज़ क्या ध्यान रखना है कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी किसके बराबर होगा, वेक्टर ए डॉट बी कैप के लो, या बी वेक्टर अपॉन बी मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन रोज सर्टेन डिस्टेंस डायरेक्टली अक्रॉस द रिवर एंड डाउन स्ट्रीम इन टाइम ए एंड बी। इफ द मैन कैन रो इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड द रिवर फ्लो एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो हमें बताना है कि ए अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी। तो इसको पहले मैं कंसेप्चुअली समझाऊंगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है, और लेट जो पर्सन है वो यहाँ से इस तरफ आ रहा है, ठीक है, और एक बार वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है, और एक बार वो जा रहा है उसके अक्रॉस, यानी कि ऐसे पार कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि दोनों ही केस में सेम डिस्टेंस उसको कवर करना है। तो मैं क्या मानूंगा कि जब उसको मान लीजिए सेम डिस्टेंस कवर करना है, तो देखो अगर उसको यहाँ पर आना है, मतलब उसके अक्रॉस, मतलब कि इस किनारे से जस्ट उस किनारे पे जाना है लेकिन सामने पहुँचना है, तो अगर वो यहाँ पर इसी लाइन के अलोंग जाएगा तो वो यहाँ पर ना पहुँच करके थोड़ा आगे पहुँचेगा, तो उसको थोड़ा इस तरफ जाना पड़ेगा, मतलब इस डायरेक्शन में उसको जाना पड़ेगा ताकि वो इस किनारे पर आ जाए, क्योंकि पानी उसको बहा करके आगे ले आएगा। तो मैंने माना कि जो पर्सन है वो अक्रॉस रिवर जब उसको जाना है तो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि जो पर्सन है उसकी वेलोसिटी लेट वी वी है वी एम, और वेलोसिटी ऑफ रिवर है वी आर। तो ये वाली वेलोसिटी जो इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो वेलोसिटी ऑफ रिवर इसी के लोंग है, तो ये हो जाएगी वी आर। अब मुझे चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब कि इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी तो वो किसके बराबर हो जाएगी। देखो इस वाले ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, या हाइपोटेनियस, और लेट ये अगर मैं एंगल थीटा मानूँ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम निकल लगाएंगे तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी, या ये वाला जो मैग्नीट्यूड होगा इस तरफ, वो हो जाएगा कितना, रूट वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। ये कैसा है अभी समझाता हूँ। देखो मान लो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बना लेता हूँ इस तरह से, ये हाइपोटेनियस ही वी एम का स्क्वायर, ये वी आर का स्क्वायर, और ये जो हमें फाइंड करना है रिलेटिव वेलोसिटी, लेट से इसको मैं वी एक्स लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए। तो वी एम का जो स्क्वायर होगा उसको हम ऐसे लिखेंगे ना, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर। तो ये वाली वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हमें चाहिए, क्योंकि पार्टिकल या जो भी मैंने वो इस तरफ जाना है, उसको पहुंचना है यहाँ पर है, तो वो इस रिलेटिव वेलोसिटी से यहाँ पर पहुंचेगा। मैं मान लेता हूँ कि जो सर्टेन डिस्टेंस है लेट से ये एस है, ठीक है, और जब पार्टिकल या जो पर्सन है वो अगर मान लीजिए रिवर की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तब उसकी जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी रिवर की डायरेक्शन में, वो हो जाएगी यू जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन,
इसको मैं लिख देता हूँ, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अक्रॉस रिवर हो जाएगी डॉट वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, और रिजल्टेंट वेलोसिटी डाउन द स्ट्रीम, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, पर्सन भी और रिवर भी, तो दोनों ऐड हो जाएंगी वी आर प्लस वी एम। अब बोला गया कि ए जो टाइम है वो कब है, जब अक्रॉस द रिवर जा रहा है, अक्रॉस द रिवर, और डाउन स्ट्रीम में टाइम लग रहा है बी। देखो डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इंटू में टाइम, तो अगर मुझे टाइम निकालना है, यानी कि टाइम अक्रॉस रिवर, तो ए के बराबर होगा, तो ए बराबर किसके हो जाएगा, मतलब वो ए मतलब टाइम है यहाँ पर, ठीक है ना, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो मैं डिस्टेंस उसको मैंने एस माना हुआ है, एस अपॉन में स्पीड कितनी होगी अक्रॉस द रिवर, तो अक्रॉस द रिवर हमारी जो स्पीड है वो है रूट वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, ठीक है। और जो टाइम लग रहा है अक्रॉस द डाउन स्ट्रीम, टाइम अक्रॉस डाउन स्ट्रीम, दैट इज गिवन अवर बी, एंड बी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में, यहाँ पर स्पीड कितनी वी आर प्लस में वी एम, हमें चाहिए ए अपॉन बी, रेशो चाहिए ए अपॉन बी का, तो ये कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू एस अपॉन में रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी ए माइनस आएगा। तो देखो जब आप रेशो लोगे तो एस तो हट ही जाएगा ना, एस को मैं हटा देता हूँ डायरेक्टली, ए इन्वर्सली रूट वी एम माइनस वी आर का स्क्वायर है, तो वो आएगा नीचे यहाँ पर वी एम का स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा वी आर प्लस में वी एम, ठीक है। और मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर वेलोसिटी के लिए यूज़ करेंगे। इसको लिख लेते हैं, तो हमने इसको लिख लिया रूट वी एम प्लस वी आर और मल्टीप्लाई में रूट वी एम माइनस के वी आर। अब देखो ये वी आर प्लस वी एम है, ये भी वी आर प्लस एम वी एम है, तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ ए अपॉन बी इक्वल टू, इसको आप रूट में लिख सकते हैं ना, तो रूट में आएगा वी आर प्लस वी एम का स्क्वायर ऊपर, और डिनोमिनेटर में तो ये है ही रूट वी एम प्लस वी आर और वी एम माइनस वी आर। तो होगा क्या कि एक पावर सम एक पावर इसको कैंसिल करेंगे, तो ए अपॉन बी इक्वल टू आएगा रूट में वी आर प्लस वी एम अपॉन में वी एम माइनस के वी आर, ठीक है। तो अगर आपको ये सिंपली फॉर्मूला पता होता तो बहुत आसानी से हो जाता क्वेश्चन, तो आप जब नोट्स बना दो इस फॉर्मूले को लिख लो कि अक्रॉस द रिवर और डाउन स्ट्रीम में अगर आपको टाइम का रेशियो निकालना है तो वी आर प्लस वी एम अपन वी एम माइनस वी आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अगर पता होगा तो टाइम बहुत बचेगा। अब लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, वी आर प्लस वी एम कितना हो जाएगा, वी आर प्लस वी एम का मतलब 10 प्लस 4, यानी कि 10 और 4 14, अपॉन दोनों का डिफरेंस कितना होगा वी एम माइनस वी आर, तो 10 में से 4 जाएगा 6, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 7 अपॉन में 3 हाफ करके, तो अपना आंसर आ जाएगा रूट 7 अपॉन में 3। बाकी इस पूरे सॉल्यूशन का एक अलग से मैं डेरिवेशन के लिए वीडियो अपलोड करूंगा, उसको भी आप जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल सो एज टू क्लियर टू वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट ऑफ 5 मीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ईच अदर, द टोटल रेंज बताने कितनी होगी। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि हम पार्टिकल दो वॉल है यहाँ पर, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना वो गिवन है 10 मीटर, और उनकी जो हाइट है वो है 5 मीटर, और हम पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि दोनों वॉल्स को जस्ट कवर कर रही है, तो हमें पता करना है कि इसकी रेंज कितनी होगी। तो देखो रेंज का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, रेंज बराबर होगा डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स इंटू में कोट थीटा बाय टू। हालांकि इसका डेरिवेशन करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बट फिलहाल यहाँ पर मैं पूरा डिटेल डेरिवेशन ना करके सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट कर रहा हूँ ताकि बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल कितना है यहाँ पर, 10 है, इंटू कोट थीटा कितना है, तो थीटा है हमारे पास 30 डिग्री, तो 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15, तो हमारा आंसर आएगा 10 cot 15 degree। लेकिन इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन की ये फॉर्मूला आता कैसे है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 10 cot 15 degree। क्वेश्चन नंबर 117, अ ग्लास प्लेट कैन जस्ट सपोर्ट अ वेट ऑफ 54 किलोग्राम, अ प्लेट विद अ बॉडी ऑन इट इज रेस्ट विद अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एक्सेलेशन, इट इज फाउंड दैट द प्लेट ब्रेक्स व्हेन द एक्सेलेशन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
फाइंड द मास ऑफ द बॉडी इन किलोग्राम, 10 g की वैल्यू आपको गिवन है 10 m/s². तो मान लेते हैं प्लेट है और ये वेट है ऑब्जेक्ट का, और इसमें 54 kg गिवन और यहाँ पर वेट बोला हुआ है। एक्चुअली या तो इनको यहाँ पर मास बोलना चाहिए था या यहाँ पर न्यूटन लिखना चाहिए था, तो मैं यूनिट के हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो वेट जो होगा वो 54 किलोग्राम है ना यूनिट, तो किलोग्राम को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से, क्योंकि वेट इक्वल टू कितना होता है mg। तो ये हो गया 540 और न्यूटन आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम फोर्स है जो कि जो ग्लास प्लेट है वो बियर कर सकती है। और मैं मान लेता हूँ लेट जो मास है बॉडी का वो एम है और हमें एम फाइंड करना है किलोग्राम में। तो देखो हम हमेशा फॉर्मूला यूज करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन। तो जो मैक्सिमम फोर्स है वो हमें कितनी है, 45 40 गिवन है। अब मास हमें निकालना है, लेकिन जब आप इसको ऊपर ले जा रहे हो तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। तो जैसे आप लिफ्ट में देखते हो कोई बॉडी ऊपर जाती है तो उसका नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो g+a के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक्चुअली 540 ये तो मैक्सिमम फोर्स जो वो बियर कर सकता है, प्लस एक तो हो जाएगा वेट ऑफ बॉडी mg, प्लस मास इंटू एक्सेलेशन की वजह से भी तो कुछ फोर्स आएगी, तो mg+m में नेट फोर्स हो जाएगी जो कि 540 से ज़्यादा ज़्यादा या बराबर भी अगर होगी तो प्लेट टूट जाएगी। तो इसको हम लिखेंगे g+a। ठीक है, अब m इक्वल टू कितना आएगा, 540 / में g+a, g की वैल्यू कितनी, 10 और a की वैल्यू 8, तो आ जाएगा 540 / में 18, ये होता है 30, तो हमारा मास जो आएगा वो आएगा 30। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है थोड़ा, मतलब कि इनका जो वर्डिंग है वो सही होनी चाहिए थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास 40 kg इज शॉट वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 80 m/s आफ्टर 5 सेकेंड। ये दो पार्ट में एक्सप्लोड हो रहा है इक्वली, जिसका मास है, वन ऑफ देम ट्रेवल विद वेलोसिटी 100 m/s ऊपर की तरफ। तो आपको बताना है जो दूसरा फ्रेगमेंट होगा वो किस तरफ जाएगा और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन का ही क्वेश्चन है। मान लीजिए हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आकर के ये ब्रेक हो जा रहा है दो पार्ट्स में। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 सेकेंड। हमें फाइंड करना है कि कितनी वेलोसिटी होगी दूसरे फ्रेगमेंट की फर्स्ट पार्टिकल में। मान लेते हो लेट इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2। ठीक है, और अब यहाँ पर हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अकॉर्डिंग पी इनिशियल बराबर किसके होता है, पी फाइनल के। इसका मतलब ये हुआ इनिशियल मोमेंटम, मतलब जब पार्टिकल सिर्फ एक था, एक ही मास था ब्रेक होने से पहले, तो उस टाइम इनिशियल मोमेंटम रहा होगा उसका टोटल मास इंटू में उसकी वेलोसिटी टी इक्वल टू 5 सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी वो देखेंगे अभी हम। टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है ये बराबर होगा फाइनल मोमेंटम, मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 के। अभी फाइंड कर लेते हैं कि जो टोटल वेलोसिटी होगी टी इक्वल टू 5 सेकेंड पर वो कितनी होगी। तो देखो पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू u - gt, और v कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी, 80, तो इसको 80 ले लो, माइनस g की वैल्यू 10 इंटू टाइम की वैल्यू 5, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 50, 80 में से 50 माइनस करोगे 30 m/s। तो टोटल मास कितना है, 40 इंटू में टी इक्वल टू 5 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी आई, 30 इक्वल टू m1। अब देखो ये 40 kg दो पार्ट में जब ब्रेक होगा तो 20 kg और 20 kg में ब्रेक हो जाएगा ये, तो एक का मास कितना आ गया 20 kg इंटू में उसकी वेलोसिटी, एक की हमें वेलोसिटी दी हुई है 100, प्लस इसका मास कितना 20 और इसकी वेलोसिटी हम निकाल लेंगे अभी, चाहती है 12 00 माइनस ये आ जाएगा 2000 इस तरफ, ये हो गया 20 v2। ठीक है, तो 20 v2 बराबर आएगा माइनस के 800 और v2 को इससे डिवाइड करते तो माइनस के 800 / में 20, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया माइनस के 40 m/s। अब ये -40 है, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में होगा जो भी वी वन की वेलोसिटी। तो अगर ये वाला पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो जो दूसरा पार्टिकल होगा वो नीचे जाएगा ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 40 m/s, वो भी डाउनवर्ड, क्योंकि पहले वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस फिगर में आपको बताना है द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल आउट द मास एम टू विद एक्सेलेशन है, यानी कि अगर हम इसको पुल कर रहे हैं, इस तरफ निकाल रहे हैं, तो हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। और जो कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है बिटवीन द सरफेसेस वो है म्यू। तो देखो, एक तो फोर्स हम ये लगाएंगे मास इन टू एक्सीलेशन के बराबर, एक तो फोर्स हम लगाएंगे मास इन टू एक्सीलेशन यानी कि एम टू ए, इसकी वजह से एक फोर्स होगी। प्लस यहाँ पर क्या होगा, जब आप इसको खींचोगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट करेगी। एक तो ये दोनों सरफेस कॉन्टेक्ट में है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और यहाँ से भी आप इसको पुल कर रहे हो तो इनके बीच में भी एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो मान लेते हो ये फ्रिक्शन फोर्स F1 है और ये फ्रिक्शन फोर्स F2 है, तो M2A के साथ हम F1 प्लस F2 फोर्स भी लगाएंगे ताकि हम फ्रिक्शन के अपोजिट में मोशन करवा सकें। अब देखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बराबर होता है म्यू इंटू में आर, ठीक है। तो अगर मैं दोनों मास को एक साथ कंसिडर करूँ ऐसे, और ये सरफेस हमारा नीचे वाला, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लग रही है F2, तो ये M1 और ये M2, इन दोनों का जो नेट वेट होगा वो डाउनवर्ड होगा, वो कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू में G, और जो F2 होगा वो बराबर किसके हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू में G। एक्चुअली F इक्वल होता है म्यू इंटू आर, तो नॉर्मल रिएक्शन M1 प्लस M2 इंटू G के बराबर होगी, इंटू में इसमें म्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा F2। और अगर मैं इस सिस्टम को कंसिडर करूँ कि M1 यहाँ पर है और M2 यहाँ पर है और फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ लगेगी F1, तो F1 किसके बराबर होगी, देखो ये इस पर M1 जो है मास M2 पर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा M1 इंटू में G, तो उस पर जो नॉर्मल फोर्स लगेगी वो M1 जी आर के इक्वल हो जाएगी, ये R1 बोलो, तो F1 इक्वल हो जाएगा म्यू इंटू में R1, यानी कि म्यू इंटू में R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी M1 इंटू में G। तो एक फोर्स F1 ये होगी, F2 ये होगी, और एक M2A हम लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स हमें फाइंड करनी है, M2A प्लस F1 कितना म्यू M1G, और F2 कितना म्यू M1 प्लस M2 इंटू में G। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो यहाँ पर म्यू M1G एक ही हो गया, म्यू M1G एक ही हो गया, इन दोनों को साथ लिख लेते हैं पहले, तो म्यू M1G प्लस म्यू M1G प्लस म्यू M2G और प्लस M2 इंटू में A। यहाँ से मैं म्यू जी कॉमन ले रहा, तो म्यू जी और M1 प्लस M1 कितना हो जाएगा ट्वाइस M1 प्लस M2 प्लस M2 इंटू में A, तो ये हमारा नेट फोर्स आ जाएगी, इक्विवेलेंट फोर्स। तो तीन फोर्स को ऐड करके हमने इक्विवेलेंट फोर्स फाइंड करी है, एक तो एक्सीलेशन की वजह से जो फोर्स होगी M2A, और दूसरा जो दोनों सरफेस हैं, एक यहाँ पर कॉन्टैक्ट है और एक यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, इनकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स आएगी, तो इन तीनों का सम होगा इक्विवेलेंट फोर्स के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 120, ए बॉडी ऑफ मास 10 किलोग्राम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, इस तरह से कोई बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, इट इज सपोर्टेड सेपरेटेड बाय फोर्स एक्टिंग हॉरिजेंटली एंड देन बाय फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन, इफ द नॉर्मल रिएक्शन N1 एंड N2, तो आपको N1 इनटू N2 फाइंड करना है, N1 डॉट N2 हमें फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन का प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखो, जनरली क्या होता है कि जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है M मास का, तो उसका जो वेट होता है वो डाउनवर्ड होता है MG, और यदि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा करो तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं MG के, एक MG साइन थीटा और एक MG कॉस थीटा। और नॉर्मली क्या होता है कि ये जो MG कॉस थीटा है इट इज़ बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इस तरफ, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब दो अलग अलग केस की बात करते हैं, पहले वो तो इसमें एक फोर्स लगा रहे हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और एक फोर्स हम लगा रहे हैं इसके पैरेलल टू द प्लेन, यानी कि अब देखो जैसे MG साइन थीटा इस तरफ है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगानी पड़ेगी, लेट से एफ डैश। तो आपको बताना है कि इन दोनों केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो कितनी होगी। एक्चुअली दिक्कत यहाँ पर यह कि ना तो हमें इंक्लिनेशन एंगल थीटा गिवन है और ना ही फोर्स गिवन है, तो अगर मैं इक्वेशन सोल्व भी करूँ तो थीटा और मतलब इनसफिशेंट डाटा आएगा, लेकिन इन जनरल अगर मैं मान लूँ कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन काफ़ी छोटा है, तो N1 किसके इक्वल हो जाएगा MG के यहाँ पर, ठीक है, और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा N2 वो भी M2 वो भी MG के ही बराबर होगा, चाहे उसमें आप कोई भी इक्वेशन सोल्व करो, बट डाटा इनसफिशियंट है, तो जिसकी वजह से N1 N2 अगर हम करेंगे तो MG इंटू MG के बराबर आ जाएगा, MG के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, ठीक है।
और m की वैल्यू 10 इंटू जी की वैल्यू 10 गिवन है इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, तो 10 की पावर 4। बट मुझे लगता है कि इतना एक्यूरेटली क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है मैंने, क्योंकि डाटा इनसफिशेंट है। बट फिर भी अगर इनके हिसाब से देखा जाए 10 की पावर 4 न्यूटन, इसी तरह से आंसर आएगा। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।